अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छी मजलिसों में अच्छे लोग जाते हैं, अच्छी मजलिसों से एराज करना अच्छी बात नहीं है। और अच्छी मजलिसें वो होती हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र हो, अल्लाह के दीन की बातें की जा रही हो और अल्लाह के भेजे हुए अहकाम का तज़किरा हो रहा हो, बुराइयों से नफरत दिलाई जा रही हो, नेकियों की तरफ रग़बत दिलाई जा रही हो। हज़रत अबू वाक़िद अल हारिस बिन औफ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में, मस्जिद में बैठे हुए थे और सहाबा किराम की एक मजलिस हो रही थी। आप दीनी बातें बता रहे थे सहाबा किराम को। इतने में मस्जिद में तीन आदमी दाखिल हुए, दो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की तरफ आए और एक वहां से होता हुआ गुजर गया। एक आदमी ने देखा कि मजलिस में कोई जगह खाली है तो वो वहां जाकर बैठ गया। दूसरे आदमी को शर्म आई कि मैं क्या लोगों के कांधे फलांगता हुआ जाऊं, तो वो वहीं पीछे बैठ गया। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तीन आदमियों के बारे में ना बतलाऊं? फरमाया, एक आदमी आया और आकर मजलिस में बैठ गया और जगह खाली देखी उसमें घुस गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपनी रहमतों में ले लिया। दूसरा आदमी शर्म की वजह से अंदर नहीं गया, जहां उसको जगह मिली वहीं बैठ गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके साथ शर्म का मामला किया। लेकिन तीसरा आदमी जो चला गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे एराज का मामला किया, बेरुखी इख्तियार की। तो दीन की मजलिसों से बेरुखी इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उनसे बेनियाज हो जाता है और उनकी परवाह नहीं करता। अगर आप चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इनायतों और नवाजिशों से आपको नवाजे, तो दीनी मजलिसों से कुर्बत इख्तियार कीजिए। बेकार इधर उधर बैठने के बजाय दीनी मजलिसों का रुख कीजिए, वहां पर जाकर बैठिए, अल्लाह की रहमतों को हासिल कीजिए। और अगर बेरुखी इख्तियार करेंगे, आप इधर उधर बैठे रहेंगे, दीनी मजलिसों में नहीं जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपके साथ एराज का मामला करेगा, बेरुखी का मामला करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपनी रहमतों और इनायतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।